हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। रायपुर पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, कुख्यात राज्य स्तरीय वाहन चोर गिरोह का किया पर्दाफाश। वाहन गिरोह चोर का मुख्य सरगना विजय सिंह रावत सहित तीन अभियुक्त को किया गिरफ्तार। वाहन गिरोह से 9 चार पहिया वाहन और 1 दुपहिया वाहन किया बरामद। पाली जिला पुलिस अधीक्षक राहुल कोटोगी के निर्देशानुसार एवं अतिरिक्त जिला पुलिस अधीक्षक तेजपाल सिंह के आदेश अनुसार DYSP सुरेश कुमार के निर्देशानुसार रायपुर थाना अधिकारी मनोज राणा को एक बहुत बड़ी कामयाबी हाथ लगी। रायपुर थाना अधिकारी मनोज राणा ने राज्य स्तरीय वाहन चोर गिरोह को पकड़ने में कामयाबी पाई और कुख्यात वाहन और विजय सिंह रावत सहित तीन अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। गौरतलब रहे कि इन कुख्यात तस्करों वाहन चोर गिरोह ने राजस्थान के अनेक जिलों में अपना जाल फैला रखा था। रायपुर थाना अधिकारी मनोज राणामय टीम द्वारा बहुत बड़ी कार्रवाई करते हुए राज्य स्तरीय वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश किया और उनके कब्जे से 9 चार पहिया वाहन और 1 दो पहिया वाहन बरामद किया गया। पुलिस द्वारा इन वाहन गिरोह से गहन पूछताछ की जा रही है, जिनसे और भी खुलासा होने के आसार हैं। शातिर इन वाहन चोरों को पकड़ने के लिए पुलिस बीते कई दिनों से लगातार प्रयास कर रही थी। लगातार अनुसंधान मुखबिर कर मेहनत कर पुलिस ने इन राज्य स्तरीय वाहन चोर गिरोह को पकड़ने में कामयाबी पाई। गठित पुलिस टीम द्वारा पाली, जोधपुर, ब्यावर, अजमेर, राजसमंद आदि जिलों में लगातार प्रयास किए गए, तब जाकर इस राज्य स्तरीय वाहन चोर गैंग का खुलासा हुआ और पुलिस को सफलता हाथ लगी। जागरूक टीवी के संवाददाता से बात करते हुए तेजपाल सिंह, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पाली, इन्होंने ये कहा। बिल्कुल, जैतारण वृत्त क्षेत्र में यहाँ के पुलिस उपाधीक्षक सुरेश कुमार जी के नेतृत्व में ये पूरा प्रॉपर्टी ऑफेंस रोकने का, डिटेक्शन का अभियान चल रहा है और इसमें जो मुख्य भूमिका निभा रहे हैं हमारे मनोज राणा जी, इंचार्ज रायपुर, इन्होंने काफ़ी प्रयास किया है और जिसके आधार पर ये आप देख रहे हो आज 10 व्हीकल रिकवर हुए हैं, जिसमें 9 फोर व्हीलर हैं और 1 टू व्हीलर है। इस गैंग का मुख्य सरगना विजय सिंह है, जो कि बगड़ी थाना क्षेत्र में रहने वाला है। इसके दो और साथी जगदीश हनुमान, जो पास के जैतारण और सुरजत के रहने वाले हैं। अन्य गैंग मेंबर हैं, उनकी अभी अरेस्ट का प्रयास किया जा रहा है। 4 और मेंबर इन्होंने इस घटना में उन्होंने स्वीकार किया है। अभी तक टोटल 15 वारदातों को करना स्वीकार किया है, जिनमें रिकवरी बाकी है, 10 की रिकवरी हुई है, बाकी रिकवरी का प्रयास किया जा रहा है। जागरूक टीवी के लिए सोजत से बाबूलाल पवार की रिपोर्ट।